हेलो गाइस, तो आज हम चलते हैं सेंट्रल आइलैंड। आज का दिन बहुत अच्छा है और ये रहा आपका बस स्टॉप। ये आ गई सबवे, हम इंटर करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, नॉर्मली आपको सीट मिल ही जाती है। ये देखो, और अपन पहुंच गए अब शटल टू टोरंटो आइलैंड। यहाँ पे आपको एक्चुअली मेरे को जानना था कि क्या रेट है फेरीज के, लगा इनसे पूछ लिया जाए। तो आपको भी अगर कभी आते हो तो नॉर्मली क्वेरीज तो आप पूछ सकते हो। तो इन्होंने बताया भाई कि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पानी के रास्ते आइलैंड का चक्कर लगाना चाहते हो तो वहाँ जा सकते हो। तो मैं कहा अभी चक्कर बाद में लगाएंगे, अभी चलते हैं सीधे आइलैंड पे। तो ये यहाँ पे आपका अप्रॉक्सीमेटली $9 लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टिकट मैंने ले लिया। अब चलते हैं टोरंटो आइलैंड पार्क। ये अपनी रही फेरी, काफी बड़ी एंड ब्यूटीफुल है। डबल फ्लोर है, इसमें बहुत लोग आ जाते हैं तो भीड़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने भी लोग होंगे सारे आ जाएंगे। और अगर आप तीन ऑप्शन देखते हो तो यहाँ पे वार्ड्स आइलैंड दिखता है और एक है आपका हेलेंस पॉइंट वनली और लास्ट आपका है सेंटर आइलैंड। सो ये सारा एक ही है, किसी भी चढ़ोगे आप और जहाँ पे जाओगे तो वो बस कनेक्टेड होंगे। आपको पैदल चलना पड़ सकता है बट ओवरऑल आइलैंड एक ही है, बस आइलैंड पे पहुँचने का प्लेस का नाम अलग उन्होंने कर दिया है। सो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और काफ़ी लंबी लाइन भी है, देखो आप देख सकते हो। और ये सबसे ज़्यादा फनी सीन था एक्चुअली। यहाँ पे आप देखो तो मेरे को नहीं पता था वो क्या क्या कर रहे हैं, बट इट वॉज रियली। और ये बंदूक वाला स्टाइल तो मुझे पता ही नहीं चला एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है। डैब ये हो गया, ये जितना कुछ कर सकती थी सारा कुछ की, मुझे पता भी नहीं चला। मुझे आ रही थी आवाज़ की यहाँ कोई हंस रहा है, मुझे नहीं पता था ये सारी चीज़ें चल रही पीछे। और अब अपन चल लिए हैं, इंटर कर दिए हैं फेरी में। अब यहाँ पे देखो आप, ये फर्स्ट फ्लोर रहा और इसके ऊपर वाला फ्लोर ये, यहाँ सारा व्यू दिखता है, ओपन रहता है। मोस्टली डिफरेंट कल्चर पीपल हैं यहाँ पे। और ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ये लाइफ जैकेट्स हैं, अगर कभी कुछ हो जाता है बोट हो या कुछ ऐसा तब यूज कर सकते हो। तो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है मैपल लीव। ये आपको श्रीनगर में मिल जाएगा, जहाँ भी एक्सट्रीम ठंड पड़ती है वहाँ पर मिलेगा। ये है पूरा ये यहाँ से वहाँ तक। और इसके अभी ये आप देखो सभी लोग हैं इधर, देखेंगे टोरंटो आइलैंड। इधर एक दूसरी फेरी खड़ी है, अभी अभी स्टार्ट ही होने वाला है, स्टार्ट तो है ही, चलने वाला है। अभी आपको लेफ्ट साइड में सीएन टावर भी दिखेगा, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये जी व्यू है, ये देखने लायक है, ये बहुत अच्छा लगता है जब आप फेरी पे होते हो और अब देखते हो पूरा का पूरा आपको डाउन टाउन टोरंटो का पूरा सीन दिखता है। ये आप देखो सीएन टावर, तो ये बहुत अपीलिंग फील होता है यहाँ पे, आप बस इसको एंजॉय करो। आपको रनवे भी दिख जाएगा और फ्लाइट्स भी दिखेंगी खड़ी हुई और टेक ऑफ करते हुए पर भी। तो ये ओवरऑल व्यू जब आप देखते हो सर्कुलर में, सीएन टावर अलग ही दिखता है लंबा सा, बाकी बिल्डिंग से एटलीस्ट डबल। और ये रही अपनी फेरी, सारे सारे व्यू और फोटोज ले रहे हैं।
समझ गया आइलैंड, ये ऐसा ही अपील होता है जैसा कि जुरासिक मूवी में दिखाता है सीन स्टार्टिंग का, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो ये आपको व्यू दिखाता हूँ, इन्होंने रस्सी डाली बोट को स्टेबलाइज करने के लिए। अब चलते हैं आइलैंड पे। देखो टोरंटो आइलैंड पार्क का पूरा होल व्यू है, आपको यहाँ पे लोग मोस्टली आते हैं एंजॉय करने। अब देखो यहाँ पे वॉलीबॉल लोग खेल रहे हैं, और आप भी आके जो भी चीज खेलना है नॉर्मली, बस दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो, आप कर सकते हो। और अगर इवन आपको कुकिंग करनी है या फिर वैसे नॉर्मली पार्टी करनी है वो कर सकते हो, सॉन्ग भी प्ले करके एंजॉय कर सकते हो। साइकिलिंग है, बोटिंग का ऑप्शन है, ये राइट साइड में आप देखो बड़ी सी बोट दिख रही है आपको, यहाँ पे लोग बोटिंग करते हैं, केंडावर का व्यू लेते हैं, रिलैक्स करते हैं, नेचर को भी फील करते हैं। hey, brother. तो देखने एंड रिलैक्स करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है, जिससे लोगों को खुशी मिलती है वो लोग यहाँ करते हैं, चाहे वो स्केटिंग हो, बोटिंग हो, साइटिंग हो, या जो मर्जी वो हो, बस लोगों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। एक अच्छी बात और है कि अगर आप खाना नहीं लाए हो तो आपको यहाँ खाना मिल सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मेनू में चूज करो, जो खाना है वो खा लो, तो भूख की कोई टेंशन नहीं है, बस आ जाओ। इसके अलावा आपके पास पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा का भी ऑप्शन है, तो वो भी खा सकते हो आप। अबे चलते हैं थोड़ा मरीन ड्राइव वाली फीलिंग लेने। आप देखो गोवा में भी है, मुंबई में भी है, और ये रहा टोरंटो में भी ऐसा है। पूरा व्यू है, समुद्र वाली फीलिंग है, बट एक्चुअल में है ये लेक, तो कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था बहुत बार, बट चाहे समुद्र मान लो चाहे लेक, दोनों वैसे ही दिखेंगे आप। ये सनसेट पॉइंट भी है, तो आपको पूरी फीलिंग आएगी इवनिंग का अगर आप यहाँ पे रुको। आइलैंड का हर पार्ट बहुत ब्यूटीफुल है, कहीं भी जाओ अलग ही मजा आता है। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं सीएन टावर भी दिखता है, फुल ग्रीन भी है, रोड भी अच्छी बन रखी है, साइकिलिंग करना है या कुछ भी करना है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये व्यू देखो आप, तो आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो और उसके बाद पूरा राउंड लगा सकते हो। ये है न्यूड बीच, तो आपने बहुत सुना होगा, तो एक्चुअली उसी को बोलते हैं क्लोथिंग ऑप्शनल बीच। यहाँ अलग ही लग रहा है, पूरा का पूरा ग्रीन है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेंट कर रखा हो। साथ साथ में आप देखो आसमान भी बहुत ही ज्यादा क्लियर है, और बादल यहाँ के एकदम विजिबल होते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ड्राइंग में कोई बना दिया हो। पोल्यूशन लेवल बिल्कुल नहीं है, इसलिए सारा कुछ ज्यादा ही क्लियर दिखता है। बहुत सारे फ्लावर्स भी दिख जाएंगे आपको।
अब आप ये सारे व्यूज देखो, टोरंटो आइलैंड का नजारा लो। अभी ये कितना ज्यादा ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है पूरा। यहाँ पे लोग आते हैं, पार्टी कर सकते हैं, अपना खाना लाए, जैसे वहां टेबल है अब देखो तो दिख जाएगा आपको, खा सकते हो, कुछ भी ले आओ, खाओ पियो। डस्टबिन में अपना फिर कचरा डाल देना है, नेचर का मजा लो। बहुत लोग का ये अपना जिनका शिप होता है वो आते हैं, अपना बोट पे रहते हैं, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे पैदल भी जा सकते हो और या फिर ऐसी साइकिल्स मिलती हैं, ये देखो, तो आप साइकिल भी ले सकते हो। $9 लगता है साइकिल का पर घंटे, एक अच्छा ऑप्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माहौल को एंजॉय करो। यहाँ पे देखो भाई का बर्थडे चल रहा है, फुल एंजॉयमेंट हो रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर्सनल बोट को रेंट पे ले लिया और उसके बाद एंजॉय, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। या फिर अगर ग्रुप में हो तो फिर ग्रुप पार्टी चल सकती है। देखो आप अभी पार्टी चल रही है, बियर नॉर्मली पी सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कुछ आपको स्मोकिंग या ऐसा कुछ करके पकाना है तो वो भी कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे अभी इन्होंने आग जला रखी है, तो ऐसा इशू नहीं है कि आप आग जला नहीं सकते, वो कर सकते हो। ये देखो काफी लोग खड़े हो रखे हैं, ये लंबी लाइन यहाँ से वो लास्ट तक जा रही है। अब ये सभी के सभी घर जा रहे हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। और आज का दिन यहीं पे अब ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा अभी सब हम फेरी का वेट कर रहे हैं, अभी आधे घंटे में फेरी आने वाली थी तो काफ़ी लोग भी हो गए थे। ये मैं भी आ गया लाइन पे लास्ट में, और अब आपको व्यू दिखाता हूँ। राइट साइड में देखो आप, पूरा डाउनटाउन दिखता है यहाँ से। तो मोस्टली बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ से पूरा पूरा डाउनटाउन दिखता है आपको आइलैंड से। और ये आपको आज के दिन का लास्ट व्यू आपको दिखाता हूँ। ये प्यारा सा बोट, ये आई, ये छोटी बोट है, इसको भी आप रेंट पे ले सकते हो या इससे आना जाना कर सकते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you all.